लंच करने के बाद हम जा रहे हैं हाइकिंग पे। बहुत ऊपर तक चले आए हम, खुदा सांस फूक गई मेरी। देखो करंट अभी बंद हो गया था, गंडोलाज भी बंद हो गए थे। रास्ता कितना बहुत ही स्टीप है और मुझे देखते ही मेरी हालत ख़राब हो जा रही। देखते ना इधर मैं पैदल जा बिना जूते के, और ये देखो कितने कांटे हैं, ये देखो हर जगह इतने सारे कांटे, इतने चलना इतना मुश्किल हो रहा है मुझे। Assalamu alaikum, this is Azhar, hope you all are doing good. Welcome back to my channel Kaushal Dreamer. So हम जा रहे हैं अब फ्रोजन लेक की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही होगा, हमने बाबा ऋषि और गुलमर्ग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, लेकिन अब हम जा रहे हैं फ्रोजन लेक की तरफ। हमारा लंच भी हो गया है और मैं अपने जीजू के साथ जा रहा हूँ फ्रोजन लेक की तरफ। बाकी लोग तो नीचे गुलमर्ग में ही रहेंगे, बस हम दोनों ही ट्रैक करके तो लंच करने के बाद हम जा रहे हैं हाइकिंग पे। तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ पे देखो कौन है। हेलो, ओह शर्मा के डर गया। चलते हैं अभी, ट्रैक बहुत ही स्लिपरी, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है क्योंकि रिसेंटली बारिश पड़ी है, उसकी वजह से ना सारा कच्चा कच्चा लग रहा है। होप कि आगे अच्छा रास्ता हो। अगर हमने प्लान किया कि हम फ्रोजन लेक तक जाएंगे, बट अभी तो देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो हमारा ट्रैक है यहाँ से हम नीचे चल रहे हैं, ऊपर से आप देख सकते हो गंडोला है, ये देख लो गंडोला है ऊपर से। ऊपर से आ रहे गंडोला, नीचे जा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं। अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है, आगे देखते हैं क्या सा क्या चीज तो दिख नहीं रही। बहुत ही मज़ा आ रहा है, जीजू के साथ जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे। बहुत ऊपर तक चले आए हम, सांस फूक गई मेरी। देखो करंट अभी बंद हो गया था, गंडोलाज भी बंद हो गए थे, अब लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई। तो अब दोबारा देखिए हम कहाँ से आ गए, वो नीचे इधर से हम आ गए और हमें जाना है ऊपर तक। फर्स्ट स्टॉप है किलनमर्ग। अभी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, अब मुझे नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम फ्रोजन लेक तक जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम गए थे लेदरवाल, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की थी और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी कि मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए थे। वैसे ही सीन आज भी हो रहा है। सो मैं नहीं चाहता आज कि मैं फिर से बीमार हूँ, क्योंकि फिर मैं 5 दिन कंटिन्यू बीमार हुआ था, मुझे एक्सपोजर हुआ था और मेरा फीवर हो गया था 104। सो आज मैं फिर से नहीं वैसा हो चाहता हूँ कि वैसा हो जाए, तभी देखते क्या होता है, बट मुझे लगता है अब चांसेस बहुत कम। रास्ता कितना बहुत ही स्टीप है और मुझे देखते ही मेरी हालत ख़राब हो जा रही। देखते ना क्या होता है, अब तो बहुत ही कम रह गया, एटलीस्ट फिर भी 20 मिनट्स तक तो लग ही जाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता स्टीप है। और यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो हम कहाँ से आए, क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। वहाँ पे झाड़ी और पेड़ बहुत सारे हैं तो नहीं दिख रहे, ऊपर से दिखाता हूँ। तो फाइनली हम पहुँच ही गए किलनमर्ग।
अच्छा खासा लग रहा है, बट उतना कुछ खास नहीं है। लोग बहुत सारे हैं और यहाँ से फिर गंडोला राइड लेके फिर अपर भी जाते हैं। इसका थोड़ा सा व्यू देख ले। टूरिस्ट बहुत सारे हैं बट यहाँ आते आते हमारी हालत ख़राब हो गई। पूरी बॉडी स्वेटिंग से तर है, मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। अब वही ना, मुझे डर है कि लास्ट टाइम जैसा हुआ था हमारा लेदरवत में, अब वैसा ना हो जाए। अल्लाह बचाए उस चीज़ से। चलिए देखते हैं, अगर कुछ खास हुआ फिर मैं तो आपको अपडेट्स देता रहा। चलो, तो अभी हम किलनमर्ग में ऐसी एक्सप्लोर कर रहे थे। किलनमर्ग, इसको कंगडोरी भी बोलते हैं। तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, नीचे जाए या ऊपर अपर पर्वत की तरफ जाए, देखते क्या होता है। अब अभी मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ इस कंगडोरी का। ये देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ से गंडोला है। सो अभी हम मतलब जाने की कोशिश करें इधर। पूरा फॉगी है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, बट एटलीस्ट कम से कम तो 1 आवर लगने वाला है वहाँ तक। 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा ही कुछ लगने वाला है। देखते हैं, अगर कुछ लगता है तो आपको भी बता देंगे। चले, तो हमने प्लान किया ना जाने का क्योंकि बहुत दूर है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और एनर्जी लेवल तो टोटली डाउन है। सो हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहीं पे एक्सप्लोर कर लेंगे और थोड़ा सा, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे गुलमार्ग में। तो देखते हैं, ये कंगडोरी बहुत ज़्यादा अच्छे मीरोज़ हैं। इसको तो बोला ही, मतलब इसको बोला ही जाता है द मीरोज़ ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग का जो मतलब होता है, गुलमर्ग नाम का मतलब। ये देख लो आप, दूर दूर तक बस यही दिख रहा है। और वो देखो अफरवत की तरफ तो पूरा ब्लाइंड हो गया है। मैंने तो अभी जूते हाथ में है मेरे और मैं ऐसे चल रहा हूँ नंगे पैर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो शायद ऐसे दौड़ूँ मैं यहाँ पे अपने मतलब शूज़ के बगैर ऐसे नंगे पैर दौड़ूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और मुझे प्यास इतनी लग रही है, जितनी मैं पानी पीऊँ प्यास तो उससे ज़्यादा भी लगती है। कंटिन्यू पानी पीता जा रहा हूँ, प्यास लगती जा रही है, प्यास बुझती नहीं है। अब अल्लाह करे कि लास्ट टाइम की तरह ना हो। बस अब देखिए, यहाँ से नीचे भी थोड़ा सा ये कुछ अच्छा लग रहा है और वहाँ से भी है कुछ, पर मुझे इन जगहों के नाम नहीं पता। ये देख लो, और वहाँ पे कुछ वो बंकर टाइप का है, वो अगर आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये है, ये दिख रहा, पता नहीं क्या है, शायद आर्मी का बंकर है या गुजर पेटी है। वो देख लो, वहाँ से गंडोला भी दिख रहा है, मुझे नहीं लगता वहाँ से दिख रहा होगा। चल थोड़ा और, वहाँ पे घोड़े वाले भी है, थोड़ा और हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ खास मिला तो आपको भी बताते चलते हैं। चलिए फिर, अभी हम जा रहे हैं उस झोपड़ी की तरफ, देखते उसमें क्या है। पर देखो इधर मैं पैदल जा बिना जूते के, और ये देखो कितने कांटे हैं, ये देखो हर जगह इतने सारे कांटे, इतने चलना इतना मुश्किल हो रहा है मुझे। पता नहीं, अब पता नहीं क्या होगा वहाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुत्ता देखा और वहाँ पे कौवे भी है, पता नहीं कोई कौन होगा वहाँ पे, कोई देव जी ना हो वहाँ पे, बाकी तो इजी है। तो हम झोपड़ी के करीब पहुँच गए और यहाँ पे हर जगह ना ये बेड़ों ने टट्टी करी हुई है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या है। मुझे लगता है ये बकर वालों का कुछ है, नहीं यहाँ पे तो बंद है, कुछ हम देख नहीं सकते।
यहाँ पे कुछ पानी आवाज आ रही है, ऊपर से जाके देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। यहाँ का पानी गंदा नहीं है, पीने के जैसा। ये माय गॉड, यहाँ पे ये देखो एक भेड़ मर गई है। हाँ यहाँ पे कुछ पानी, माशाल्लाह। ये कोई भी नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की जात। मैं हूँ अकेला यहाँ पे, पूरा रास्ता ना पथरीला है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है उधर। ये देखो यहाँ से तो बस कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, वो देखो नीचे तक जाता है, और ऊपर देखो कितना क्लाउडी है। ये बादल है क्या, समझ नहीं आ रहा क्या है। ये देखो समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ का 360 व्यू, तो जी बहुत हो गया यहाँ पे एक्सप्लोर करना। अब चलते हैं वापस गुलमर्ग की तरफ, क्योंकि नीचे बहुत। फाइनली हम बीच में पहुँच गए, पता नहीं कहाँ पे, यहाँ से वो गुलमर्ग दिख रहा है, जूम करके वो है गुलमर्ग। ऐसे गंड अभी केबल कार तो आ जा रही है, और ऊपर असर हो तो अभी पूरा डार्क हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं अभी नीचे की ओर, अभी तो चलने में तो नीचे जाने में बहुत कम टाइम लगा, जैसे ऊपर जाने में हमें लगे थे तकरीबन यही 52 मिनट्स। तो और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट यहाँ उतरने में थोड़ी आसानी है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है। स्वेटिंग भी नहीं है, स्वेटिंग थोड़ी हो रही है, बट उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी चढ़ते समय हो रही थी। मज़ा आया बहुत, बट एक ही रिग्रेट भी रहा कि हम वहाँ फ्रोज़न लेक तक नहीं जा पाए, बट ट्रैक ना बहुत ज़्यादा मुश्किल, स्टीप था इतना, पूरा वो पहाड़ स्ट्रेट था ऐसे, बहुत ज़्यादा स्टीप था, तो इस वजह से हम नहीं चढ़ पाए। मेरा तो चढ़ने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन हो नहीं पाया। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अब कभी और मौका मिले तो चलते हैं फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ गंदे से पौधे हैं, अभी और मौसम भी ना बहुत ठंडा हो, पूरा डार्क डार्क सा लग रहा है, डार्क लग रहा है। और मैंने अभी ये जैकेट भी पहन लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, और मेरा फोरहेड ना इतना ठंडा ठंडा है कि बता नहीं सकता। उफ, खुदा है मुझे। तभी फाइनली हम नीचे आ गए, रास्ता बहुत ही ईजी था, उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था तो, बट यहाँ पहुँचते ही बारिश स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा बच्चा मिला है। महाजन, महाजन इधर देखो, हाय करो, हाय करो, इधर 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 कैमरा की तरफ हाय करो। ये हमारे छोटे से मेहमान, साइड साइड हो जाओ। और ये कहाँ से, आप अपना इंट्रो तो दे दो, अपना इंट्रो तो दे दो यूट्यूब के लिए, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ ना। चलो अपना नाम बता दो, कहाँ से हो, क्या नाम बताओ। मेरा नाम, हाँ महाजन है। महाजन, जोर से महाजन, महाजन, और बोलो हम कहाँ से, कहाँ से आए, और हाँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ, घर नहीं, कहाँ से आए हम, अभी घूम के कहाँ से आए हम, घूम के, हाँ गुलमर्ग से। अभी गुलमर्ग हम तो गए थे ना वहाँ, हम गए थे ना ऊपर खिलनमर्ग गए थे ना हम, कंगडोरी, हाँ सिलन नहीं खिलनमर्ग, कंगडोरी गए थे ना हम, कंगडोरी। तो कैसा मजा आया आपको? बहुत
बहुत मजा। हाँ। आप फिर से आने का कोई प्रोग्राम है? हाँ, है तो मुझे बता देना, मेरे साथ मजा आया। अच्छा स्पेशली मेरा है? मेरे साथ आप आए ना, थोड़ी मतलब सफर किया हमने एक साथ, तो कैसा लगा मेरे साथ? मजा आ गया। ठीक है फिर, फाइनली हम पहुंच ही गए वापस गुलमर्ग में, और यहाँ पे एक छोटी सी पार्क है जहाँ पे हम आ गए वापस, और यहाँ पे कुछ पॉन्ड सा है बट दिखने में तो बहुत ही गंदा लग रहा है, इसका पानी बहुत ही गंदा है, बट पूरे एक इसमें ट्राउट फिश हैं, ये बहुत ही गंदा लग रहा है पानी, कुछ भी तो मतलब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कुछ हैं कि कुछ हैं, तो इधर से आ गंदा। चले हमें क्या लेना है, बट अभी फिर से शोर हो गया, बट अभी शाम का व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ये देख लो, मैं 360 व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, अभी हम ढूंढ रहे थे वो महाराजा हरि सिंह का पैलेस, बट अभी मिला ही नहीं मुझे, पता नहीं, अब देखते ना, अगर मिला तो ठीक है, हो सकता है वो बंद भी हो गया हो, अभी खुला होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा खुला तो देखते हैं फिर वहाँ भी जाते हैं, वरना तो फिर सीधे डायरेक्ट घर चले जाएंगे। चलिए